हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैक्टस को रिपोर्ट करते टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और साथ ही साथ आज मैं रिपोर्ट भी करूंगी और उनमें से एक जो प्लांट है जो मैंने अभी उठाया है इसको मैं प्रोपोगेट भी करूंगी। रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको पॉट साइज़ का ध्यान रखना है। पॉट साइज़ हमारा 2 या 3 इंच बड़ा ही होना चाहिए एग्जिस्टिंग पॉट से, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसा कि देखो अभी आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमको ध्यान रखना है कि सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। सॉइल मिक्सचर जो है बहुत ही वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि पानी रुकने से पौधा मर जाता है ज़्यादा मॉइस्चर होने से। तो उसके लिए सैंड ले लीजिए आप, परलाइट ले लीजिए और कोकोपीट ले लीजिए। आपको अलग से कोई बजरी वगैरह मिलानी है तो वो मिला सकते हैं। और फर्टिलाइज़र के लिए मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो है सॉइल मिक्सचर बन जाएगा, काफ़ी लाइट मीडियम होना चाहिए। इसमें मैंने गार्डन सॉइल नहीं ली है। फिर इसका रिपोर्टिंग का सीज़न कौन सा है ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग किस सीज़न में की जाए। तो देखिए, मॉनसून जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया मौसम होता है रिपोर्टिंग प्रोपोगेट, या जो भी आप करना चाहते हैं अपने प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो कैक्टस के लिए भी मॉनसून में आप इसको रिपोर्ट करें। कई कई बार हमारे कैक्टस जो है रिपोर्टिंग के बाद मर जाते हैं, क्योंकि वो हमने बहुत ज़्यादा गर्मी में हमने उसको रिपोर्ट किया है, ठंड में रिपोर्ट किया है। तो हमें सीज़न का ध्यान रखना है। मॉनसून या लेट स्प्रिंग जो है वो सबसे बेस्ट सीज़न है रिपोर्ट करने के लिए। और नेक्स्ट रिपोर्टिंग जो है, फोर्थ पॉइंट जो है, नेक्स्ट रिपोर्टिंग हमको 1 या 1.5 साल के बाद ही करनी है। बहुत जल्दी जल्दी इसको रिपोर्ट ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने से इसकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। और 1 या 1.5 साल तक ये काफ़ी अच्छे से चलता है सेम पॉट में, तो आपको इतने जल्दी रिपोर्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो हमने पॉट लिया है उस पॉट में ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल आप सिरामिक पॉट लें, नर्सरी पॉट लें, या आपने घर में भी कोई बॉटल वगैरह उसमें आप इसको लगाना चाह रहे हैं, बाल्टी में, मग में, जिसमें भी, तो उसमें आप ध्यान रखें कि उसमें आप नीचे छेद कर दें, जिससे पानी जो है पॉट में रुका ना रहे। और क्योंकि पानी रुका रहता है अगर पॉट में, तो फिर कैक्टस को तो वैसे ही पानी नहीं पसंद है और फिर वो गल के ख़राब हो जाएगा पौधा। चलिए, इस पौधे को मैं, ये मेरा मून कैक्टस हुआ करता था, इसका मून सूख गया है, तो अब मैं इसके ऊपर ये अलग से ग्रोथ हो गई है, तो मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, रिपोर्ट नहीं प्रोपोगेट करूँगी। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिंपली इसको दूसरे उसमें लगा दे रही हूँ, सेम सॉइल मिक्स में लगा दे रही हूँ। और आई होप कि इसमें जड़ें आ जाएँ नीचे से। तो 1 या 1.5 महीने बाद मैं चेक करूँगी इसको कि इसमें ग्रोथ क्या है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके कैक्टस की ग्रोथ किस तरफ जा रही है, वर्टिकल ग्रोथ है उसकी या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है। जैसे मेरे पास सारे जो हैं कैक्टस, इनकी वर्टिकल ग्रोथ है, तो मैं इनको इस तरह की जो मैंने पॉट लिए हैं मैं इनमें लगा सकती हूँ। यही अगर मेरे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वाले प्लांट्स होते, कैक्टस होते, जो आजू बाजू से जिनमें निकलना शुरू हो जाते हैं, कई सारे हम इंटरनेट पर देखते हैं, तो अगर वैसा होता तो मैं थोड़ा सा चौड़ा पॉट लेती, जिसमें आजू बाजू से अगर ग्रोथ हो रही है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हों अच्छे से ग्रो होने के और प्लांट को सुंदर दिखने के। अब मैं इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी और परलाइट रख दूंगी ऊपर, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं कैक्टस इस तरह से। ये देखो, थोड़े से परलाइट मैं ऊपर एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि वो वाइट वाइट अच्छा लगता है कैक्टस के साथ। ओके गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी को शेयर कीजिए जिनके कैक्टस मर जाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो ये प्लांट लवर के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। और आप बिगनर हैं तो बिल्कुल आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।